यूपी में बाढ़ बारिश का कहर। उफनती नदियां, पानी पानी घर। पहाड़ में बाढ़ से डूबती डगर। गंगा में बाढ़ भयंकर, लेवल डेंजर। गंगा में उफान, किसान परेशान। बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। पहाड़ से मैदान तक पानी पानी। अगस्त की बाढ़ लीला। अगस्त महीने में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गंगा और सरयू नदी में उफान से कई जिलों में पानी का कहर है। कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने गांव को आगोश में ले रखा है। कई स्कूलों में पानी भरा हुआ है, तो कहीं बाढ़ के पानी में कई बीघे फसल बर्बाद हो गई है। ये तस्वीरें बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने स्कूल को अपने कब्जे में ले रखा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सरयू नदी में पानी बढ़ने से बाराबंकी जिले की 3 तहसील के सैकड़ों गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के चलते सिरौली गौसपुर तहसील का प्राथमिक विद्यालय तिलवारी इस समय पानी से लबालब भरा हुआ है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश प्रेम की भावना से भरे विद्यालय के हेडमास्टर ने पानी से भरे विद्यालय में पहुंचकर तिरंगा फहराया और अपना राष्ट्रधर्म निभाया। सभी शिक्षकों ने बच्चों को विद्यालय जाने से बाहर ही रोक दिया और ध्वजारोहण के बाद आकर उन्हें मिठाइयां वितरित की। हम देशभक्ति का हम लोग के अंदर जज्बा है, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो मना ही रहते हैं। हर बार हर साल बाढ़ आ जाता है, इस विषम परिस्थितियों का हम लोग सामना करते हैं। हर साल जो बाढ़ के समस्याएं आती हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेके और उनकी खान पान को लेके, हमेशा हम लोग के लिए चैलेंजिंग वर्क रहता है, लेकिन हम लोग इसका पूरा पालन करते हुए, शासन के द्वारा जो भी हमें निर्देश प्राप्त होते हैं उसका पूरा पालन करते हुए हम लोग हर बार इसका स्कूल का संचालन है, सारी सुविधाएं हैं और अपना 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता पूरा सब अपना सारी चीजें हम लोग निभा। बहराइच में भी नेपाल में हो रही बारिश का असर दिखाई दे रहा है। बहराइच की सरयू नदी इन दिनों उफान पर है, जिसके कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ से बहराइच की 4 तहसीलें मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने से गांव के चारों तरफ पानी भर गया। गांव के लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए जान जोखिम में डालकर पानी में पैदल जाकर या फिर नाव का सहारा ले रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं गोपिया बैराज पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नदी है और ये नदी नेपाल से आती है, जिसके वजह से बहराइच में बाढ़ आती है और बहराइच की सरयू नदी उफान पे रहती है। और देखिए इस नदी में पानी आ रहा है और पानी ये डिस्चार्ज हो रहा है गोपिया बैराज से, ये सरयू नदी में जा रहा है। इस समय बहराइच में 4 तहसीलों में लगभग 100 गाँव ऐसे हैं जो टापू बने हुए हैं। इस पानी की वजह से वहाँ पर जो लोग हैं वो अब नाव का सहारा लेके आवागमन कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में मोतीपुर और नानपारा तहसीलों के गांव ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि 3 दिन पहले ही सरयू नदी का पानी कम हुआ था, लेकिन नेपाल में बरसात के बाद फिर से नदी उफान पर है। इस बाढ़ से करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड में उफनाई नदियों का असर मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। संभल में गंगा में उफान से 2 गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में गंगा में 5,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया है। नरौरा बैराज पर गंगा में 2,09,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।
बाढ़ के पानी में किसानों की बाजरा और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बबराला घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी की बाढ़ के साथ अब गर्रा नदी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गर्रा नदी की बाढ़ से करीब आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों बीघा धान और तिलहन की फसलें नष्ट हो गई हैं। शाहजहांपुर में गर्रा नदी ने ग्रामीणों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अमरोहा के मंडी धनौरा के गांव आजमपुर में चारा लेने गए किसान की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद गांव में मातम का माहौल है। चलता ये हुआ है कि कल जो है ये 4 बजे के टाइम में जो खेत में घर कह गया था बच्चों से कि मैं पशुओं के लिए चारा लिया हूँ, चारा काटने के लिए चला गया। जाने के बाद में पानी का बहुत तगड़ा बहाव है गंगा के पानी का, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो उसको पता है कि कैसे डूब गया। अब वो जो पता चला दिन छिप गया, खाना वाना बन गया, तो बच्चों ने कही कि भाई पापा नहीं है घर पर, तो अपने ताऊ से कहेंगे। ताऊ ने जब मुझा कर देखा, गांव वालों से कहा, गांव वाले वहाँ पहुँचे। पहाड़ों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण यूपी के मैदानी इलाकों में पानी ने तबाही मचा दी है। फिलहाल किसानों और गांव वालों को गंगा और सरयू के जलस्तर की घटने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां बाढ़ बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं बादल फटने से गांव में बाढ़ के हालात हो गए हैं, तो कहीं पर अचानक सड़क गायब हो गई है। यानी अगस्त के महीने में पहाड़ में बाढ़ की मुसीबत बनी हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चमोली के सोल इलाके में बादल फटने से प्राणमती नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे तराली गांव में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल फटने की घटना से पहले ही ग्रामीणों ने अपने घरों को छोड़ दिया था और सुरक्षित इलाकों में चले गए थे। वहीं उनके घरों में मलबा भर गया है, कई मवेशी भी पानी के साथ बह गए हैं। रतगांव को जोड़ने वाला पुल भी प्राणमती नदी के तेज बहाव में बह गया और थराली डूंगरी रोड कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। फसल का तो कोई भी अभी था हमारे कोई कर्मचारी यहाँ दिखा नहीं। हमारे जो भाई बहन है सब लोग आपदा में डूबे रहे मलबे में, लेकिन हम खुद ही अपने बचाव करके बचा के जो भी लोग हैं निकाल के अपने घरों से थोड़ा ऊपर भगा के। चमोली में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नेड़ी गांव के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया। वहीं तेज बारिश से गांव के मकानों को खतरा हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित स्थान पर भेजा है। वहीं चमोली के पीपलकोटी के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग वॉशआउट हो गया है। नेशनल हाईवे का 10 से 20 मीटर का हिस्सा पूरा गायब हो गया है। इससे जोशीमठ विकासखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं चारधाम यात्रा पर भी लंबा ब्रेक लगने की संभावना है। सोमवार को हुई तेज बारिश से मकेश्वर ब्लॉक के जोगियाना गांव मोहन चट्टी के पास भूस्खलन हुआ, जिससे पैराडाइज कैंप में कुछ लोग मलबे में दब गए थे। इनके सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं। मलबे से कल एक शव एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया था। वहीं आज भी लगातार एसडीआरएफ की 3 टीमें घटनास्थल पर सर्च का काम कर रही हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला एरिया के एक होटल के दोनों तरफ गदेरा आने से 3 लोग होटल में फंस गए थे। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने सभी लोगों को सुरक्षित गदेरा पार कराया और एक बीमार शख्स को 4 किलोमीटर तक लकड़ी की कुर्सी में बैठाकर सड़क तक पहुंचाया गया। टिहरी के धनौल्टी में बीते दिनों हुई बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश ने नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। धनौल्टी में गांव को जोड़ने वाली सड़क पर मलबा आ गया है। वहीं मलबे के चलते खेती को भी नुकसान पहुंचा है और ग्रामीण मेन मार्केट तक सब्जियों को नहीं ले जा पा रहे हैं। जगह जगह जो है संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, लोगों की नकदी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और जगह जगह भूस्खलन और भूदशा हो रहा है। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं, जिससे लोगों की जो फसलें हैं सड़कों तक और बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। किसानों ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
उत्तराखंड में इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी तबाही हुई है। करीब करीब हर जिले में बारिश ने तांडव मचाया है और तबाही की तस्वीरें हर जिले से सामने आई हैं। उत्तराखंड में बर्बादी की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, मकान टूट गए हैं, पुल बह गए, सड़क और रास्ते बंद हो गए। कुदरत का तांडव ऐसा कि हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। देहरादून के मालदेवता में बारिश से भारी बर्बादी हुई। यहां नदी किनारे बनी एक बिल्डिंग अचानक गिर पड़ी, देखते ही देखते बिल्डिंग भरभराकर धराशायी हो गई। हालांकि इस दौरान बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग में भी हालात खराब हैं। यहां केदारनाथ पैदल रास्ते में बादल फट गया, जिससे दो दुकानों में मलबा घुस गया। मलबे की चपेट में कई टेंट भी आ गए। यहां करीब 50 मीटर से ज्यादा रास्ता बह गया है और यात्रियों के चलने तक के लिए अब रास्ता नहीं बचा। केदारनाथ धाम जाने वाली रोड भी ध्वस्त हो चुकी है। देहरादून के रानी पोखरी में भोपुर और थानों को जोड़ने वाला पुल पानी की चपेट में आ गया। हालात ऐसे बन गए कि जाखन नदी रोड पर बहने लगी। एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद हो गया। चमोली में भी बारिश ने कहर बरपाया। पीपलकोटी में बारिश के बाद लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया। किसी तरह लोगों की जान बचाई जा सकी। कई गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली। वहीं थराली और नंदानगर में भी नुकसान हुआ है। एक मोटर पुल और एक झूला पुल बारिश में बह गया। उत्तरकाशी के आराकोट में भी पावर नदी उफान पर है। यहां दुचाड़ू में 3 घरों को भारी नुकसान हुआ है। जालू इलाके में एक महिला और 16 मवेशियों की बहने की खबर है। SDRF ने 2 घायलों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ऋषिकेश के निचले हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और घरों में कैद 20 परिवारों को निकाला गया। निचले इलाके खाली करवा लिए गए हैं। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड पर बरसाती नाला आ गया, जिसमें कार नाले में बह गई। भारी बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर है। रामनगर में धनगढ़ी नाला भी उफान पर है, जिससे ट्रैफिक को रोकना पड़ा। देहरादून में जाखन नदी निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। दून हरिद्वार हाईवे पर लाल तप्पड़ एरिया में भारी कटान हुआ और रोड पर मलबा भरा पड़ा है। मौसम विभाग ने पहले ही 14 अगस्त तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था और अब उसका असर भी साफ नजर आ रहा है। पूरे राज्य में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।